शेख, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजीब है। मेरा सवाल यह है कि जब मैं जमात से नमाज मस्जिद में पढ़ने जाता हूँ तो कभी कभी देर हो जाती है, जिससे कि इमाम रुकू में जाने वाले होते हैं और मैं सिर्फ अल्हम्दुशरीफ के कुछ बोल ही बोल पाता हूँ। तो मुझे अल्हम्दुशरीफ पूरी करनी है या उतने में ही छोड़ देना है और रुकू में चले जाना है? और कभी ऐसा भी होता है जब तीसरी रकात में खड़े होते हैं अल्हम्दुशरीफ पढ़ने के लिए तो इमाम जल्दी पढ़ लेते हैं और हमारी अल्हम्दुशरीफ अधूरी रह जाती है, तब भी हम उसे पूरा करके ही रुकू में जाएं या इमाम के साथ ही रुकू में चले जाएं? इसकी वजाहत बता दें। ये हमारे मुजीब भाई हैं, इनका सवाल ये है कि ये जब नमाज़ पढ़ते हैं तो कभी कभी अगर लेट हुआ, ताखिर से पहुँचे जमात में शामिल हुए, तो पहली रकात में शामिल हुए लेकिन ऐसे वक्त में कि क़याम बिल्कुल अपने आखिरी मरहले में था, यानी जैसे ये शामिल हुए सूरह फातिहा थोड़ा पड़ा और इमाम ने रुकू कर दिया तो अब रुकू में इनको जाना है। तो भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि हम सूरह फातिहा पूरा पढ़ के जाएंगे रुकू में या हम इमाम के साथ फ़ौरन रुकू में चले जाएँ? तो देखिए, अगर आप इमाम के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, जमात में शामिल हो चुके हैं, तो आप उसमें अपनी नहीं चलाएंगे बल्कि इमाम जैसे कर रहा है वैसे आपको करना होगा, आपको इमाम को फॉलो करना होगा। तो अगर इमाम रुकू कर रहा है तो आपको रुकू करना होगा, चाहे आप सूरह फातिहा पढ़ पाए हैं या नहीं पढ़ पाए। अगर पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाए हैं तो ये रकत आपको दोहरानी है जिसमें आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ सके, जिसको आप पहली रकत में शुमार कीजिएगा, बल्कि इसके बाद जब आप खड़े होंगे तो उस रकत को शुमार करेंगे जिसमें पूरी तरह से आपने सूरह फातिहा पढ़ ली। आपका दूसरा सवाल ये है इसी में जुड़ा हुआ कि हम कहीं कहीं नमाज पढ़ते हैं इमाम के साथ तो एक दो रकत में तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन तीसरी रकत के लिए जब हम खड़े होते हैं तो तीसरी रकत के बाद खड़े होने का दौरानिया उनका इतना कम होता है कि उसमें हम सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्या करें? तो देखिए, अगर कोई ऐसा इमाम है इस तरह नमाज पढ़ाता है कि आप उसके पीछे खड़े होकर क़याम में किसी भी क़याम में पहला दूसरा तीसरा चौथा किसी में भी सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते हैं तो आप वहाँ नमाज मत पढ़िए, क्योंकि पूरी नमाज बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के रसूल की हदीस, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है उसकी नमाज नहीं होगी। तो अगर आपकी सूरह फातिहा डिस्टर्ब हो रही है, आपकी करंट डिस्टर्ब हो रही है, आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ पा रहे हैं ऐसा इमाम है, तो इसके पीछे आप नमाज ही नहीं पढ़ना। हम ये कहते हैं नमाज किसी भी इमाम के पीछे पढ़ सकते हैं, कोई गुनहगार हो तो भी, लेकिन तब जब वो आपको नमाज पढ़ने का मौका देता हो। लेकिन अगर वो इतने कम मकदार में क़याम करता है कि सूरह फातिहा खुद नहीं पढ़ता है, ना किसी को पढ़ने का मौका देता है, या पढ़ता है तो बिल्कुल रवानी के साथ पढ़ना नहीं रह जाता है, तो ये उसकी अपनी प्रॉब्लम है, मुक्तदियों को वो अपने साथ मुसीबत में नहीं डाल सकता। तो कोई इमाम अगर इस तरह का अमल करता है तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना, इसलिए नहीं कि वो काफिर है, वो ऐसा उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि इसलिए कि वो सूरह फातिहा पढ़ने का मौका नहीं दे रहा है। तो ऐसे किसी भी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए जो लोग आपको पीछे सूरह फातिहा का पढ़ने का मौका नहीं देते हैं। और सूरह फातिहा पढ़ना तो सबके यहाँ ज़रूरी है, जो इमाम है चाहे वो मुकल्लिद ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो सूरह फातिहा पढ़ता है, उसको पढ़ना चाहिए। तो किसी मस्जिद में अगर आपको मौका नहीं मिल पा रहा है तो उसका एक तरीका ये भी है कि आप मस्जिद के इंतज़ामिया से बात कीजिए, उनसे गुफ्तगू कीजिए, उनसे कहिए कि सूरह फातिहा भाई आपको भी पढ़ना चाहिए। तो आप कैसे पढ़ लेते हैं कि हम नहीं पढ़ पाते? अगर वाकई आप पढ़ते हैं, आप मानते हैं, तो हमको भी तो पढ़ने का मौका दीजिए। तो इस तरह से बात कीजिए, मसला हल कीजिए, नहीं हल होता तो आप वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि उसके बगैर नमाज नहीं होती है। अगर ऐसे ही सूरह फातिहा आप छोड़ते रहे, किसी रकत में पढ़ा किसी में नहीं, तो नमाज नहीं होगी। और ऐसी नमाज अगर आपने पढ़ी है तो आपको दोहरा लेना चाहिए, अगर मसले का इल्म नहीं था तो अलग बात है। और कभी मजबूरी में ऐसे इमाम के साथ खड़ा होना पड़े, आपको नहीं पता था, आप किसी शहर में गए, ऐसे इमाम के साथ खड़े हो गए जिसने आपको पीछे सूरह फातिहा पढ़ने का मौका नहीं दिया, तो दोबारा तो उस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ना। और मज़ीद ये कि आप उस नमाज को दोहराएँ जिसमें आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकें। तो सूरह फातिहा ये नमाज की रूह है, बल्कि एक हदीस में सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस कुदसी का मतलब जिसमें अल्लाह के नबी अल्लाह का फरमान नकल करते हैं, तो उसमें अल्लाह के नबी सल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के बीच में बांट दिया है। उसके बाद आगे रवायत क्या है? आगे रवायत यह है कि जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो मैं कहता हूँ हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी जो है तारीफ़ की है। तो इस तरह से अल्लाह ताला एक एक टुकड़े का, एक एक आयत का जवाब भी देता है। लेकिन इस हदीस में गौर करें कि क्या कहा अल्लाह ताला ने, क्या कहा? कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी, मैंने नमाज ही को अपने और बंदे के बीच बांट दिया। हालांकि इस जुमले के बाद आगे रवायत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पूरी गुफ्तगु सिर्फ सूरह फातिहा पे हो रही है, यानी अल्लाह ये कहना चाहता है कि मैंने सूरह फातिहा को अपने और बंदे के बीच में
बांटा है, यानी जब बंदा पढ़ता है तो मैं उसका जवाब देता हूँ। तो ख़ुलासा ये है कि नमाज की असल रूह ये सूरह फातिहा है, इसलिए सूरह फातिहा नमाज पे सूरह फातिहा का इतलाक किया गया है। तो अगर ये बुनियादी चीज़ ही नमाज में नहीं रही तो फिर वो नमाज किस काम की? तो सूरह फातिहा के बगैर पढ़ी जाने वाली नमाज किसी काम की नहीं है, सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को ज़रूर डोनेट करें।